मेरी बहू तो जॉब करती है। कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बताकर तो जा। रमा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से, बस मैं आती हूँ कहकर रमा बिना बताए घर से चली जाती है। रमा के घर में रमा, उसके सास ससुर और पति अमित रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर से बाहर रहते हैं। रमा की एक ही नंद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। रमा की शादी को 2 साल हो गए। रमा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर राकेश जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुधा जी के दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद रमा घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, रमा ने उनको समझाते हुए बोला। राकेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेयर लाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टांके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे, राकेश जी ने सुधा जी को बोला। सुधा जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। रमा जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते ही बोली, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बता कर गई, क्योंकि आप घबरा जाती। फिर रमा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया और आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी इसीलिए बिना बताए आपको मैं चली गई, यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी। वैसे भी अमित शहर में नहीं है। सुधा अपनी प्यारी बहू रमा की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली, देख काम आ गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों में मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था, और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे, और हाँ अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर बोला, आप इनको और थोड़ा देर लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं, डॉक्टर सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है, रमा ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुधा जी भी रमा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। राकेश जी को देखने को 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं रमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अमित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि रमा नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी, पर वह अमित कहता था, तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मजा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। रमा को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी, उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की।
वह अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।